नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर गुस्साए भाजपा के कार्यकर्ता ने आज देवभोग थाने में तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया। तीन अलग अलग पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं दो अलग अलग पोस्ट में भाजपा के विधायक डमरूधर पुजारी और सांसद पर किए गए टिप्पणी पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया में भाजपा नेताओं के खिलाफ लगातार हो रहे आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर आज पार्टी कार्यालय में पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, विधायक डमरूधर पुजारी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगी राज कश्यप की उपस्थिति में बैठक संपन्न की गई और टिप्पणी पर शिकायत पर चर्चा के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाना पहुंचे तो और क्या उसमें कार्रवाई करवाना चाहते हैं? क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल में ना किसी के नेता के शब्द लिख देना, शब्द लिखना मैंने उसका क्या घर का जा रहा है क्या, और किसी नेता गाली देना शब्द में, उसी के नाम से हम लोग थाना आए थे और थाना में एफ आई आर भी आवेदन दिए थे। आए दिन सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स होते रहता है उसके रोक लगाने के लिए आगे और क्या करना चाहेंगे? नहीं, आगे रोक लगाने के लिए पूरा जैसे कमेंट्स करेंगे ना, जैसे कुछ ना कुछ गलत शब्द लिखेंगे व्हाट्सएप या फेसबुक में, उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। फेसबुक में अनेक तरह की कमेंट्स आए दिन होता रहा है, उसको कब तक के बर्दाश्त किया जाए? और बहुत ज़्यादा अति हो गया, पानी सर के ऊपर हो गया, तो आज हमको थाना दिवस होकर के आना पड़ा है और ऐसे लोगों के विरोध में कार्रवाई हो किसी उद्देश्य को लेकर के हम थाने में एफ आई आर किए। अगर कार्रवाई अगर समुचित जो हम चाहते हैं और जिस रूप में इन्होंने इतना बड़ा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री के विरोध में जो टिप्पणी की है, ये हमारे सहन सीमा से हम सब कार्यकर्ताओं के बाहर है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन जो भी और अन्य पार्टी के निर्देशन पर होगा वो करेंगे।